तरह से ज़ापोरिज़्या में रूसी होविट्ज़र तबाह हुई है, ऐसी जानकारी मिल रही है। रूस के दो मैस्टा बी होविट्ज़र नष्ट हो गए हैं। यूक्रेन के आर्टिलरी अटैक में तबाह हुए हैं ये होविट्ज़र। देखिए किस तरह से यूक्रेन के आर्टिलरी अटैक में तबाह हुआ रूस के दो मैस्टा बी होविट्ज़र। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ये यूक्रेन का जो काउंटर ऑफेंसिव है उसके दौरान लगातार इस तरह के हमले यूक्रेन द्वारा किए जा रहे हैं, रूस को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, ये तस्वीरें उसकी गवाह हैं। अगली बड़ी खबर का रुख करते हैं जो ज़ापोरिज़्या से आ रही है। ज़ापोरिज़्या जंग के केंद्र में बना हुआ है। ज़ापोरिज़्या में रूस को बड़ा नुकसान हुआ है। ड्रोन हमले में रूसी हथियार पूरी तरह से तबाह हो गए हैं। यूक्रेन की आर्टिलरी यूनिट ने किया है भीषण अटैक। अगली बड़ी खबर का रुख करेंगे इसके बाद। यूक्रेन की आर्टिलरी यूनिट ने यह बड़ा अटैक किया। तो दो बड़ी खबरें जो हमने आपको दिखाई वो दिखा रही हैं कि कैसे ज़ापोरिज़्या में हमला किया जा रहा है, रूस को बड़ा नुकसान हुआ है, यूक्रेन के आर्टिलरी अटैक में रूस का मास्टा भी तबाह हुआ है, होविट्ज़र को तबाह किया है। ये दिखाती हैं वो, ये दो तस्वीरें, ये दो बड़ी खबर आपको बताती हैं कि कैसे यूक्रेन काउंटर ऑफेंसिव में रूस को लगातार नुकसान पहुंचा रहा है। इसके बाद अगली बड़ी खबर का रुख करते हैं। बारूदी हमलों से बाल बाल बचा है मॉस्को, यानी मॉस्को पर हमला था। डबल ड्रोन अटैक से दहल जाता मॉस्को, लेकिन इस अटैक को रोक दिया गया। अटैक से पहले ड्रोन को शूट डाउन किया गया। रूस के बड़े तमन मोटर राइफल डिवीजन के पास था ये ड्रोन। हाल के दिनों में मॉस्को के पास मिले हैं कई अज्ञात ड्रोन जिन्हें नष्ट किया गया, लेकिन लगातार मॉस्को निशाने पर बना हुआ है, यानी मॉस्को को किसी भी तरह से दहलाने की जो कोशिश है वो लगातार की जा रही है, ड्रोन अटैक की कोशिश की जा रही है। आपको बताते हैं कि मॉस्को पर ड्रोन अटैक आखिर क्यों किए जा रहे हैं, क्यों मॉस्को ड्रोन अटैक का केंद्र बना हुआ है। ड्रोन अटैक से बाल बाल बचा है मॉस्को। अभी ताजा जो घटनाक्रम हुआ है, अटैक से पहले मॉस्को में दो ड्रोन थे जिन्हें शूट डाउन कर दिया गया। मॉस्को के गवर्नर एंड्री वोरोवयोव ने दावा किया है कि ये जो अटैक था वो मॉस्को पर केंद्रित था, लेकिन इसे नष्ट कर दिया गया। दोनों ड्रोन को सुबह 5 बजे के करीब रूसी मिलिट्री डिपो के पास ये ड्रोन गिराया गया। मॉस्को से करीब 30 किलोमीटर साउथ वेस्ट के पास दिखा था ये ड्रोन, जहां इसको शूट डाउन किया गया। इससे पहले मॉस्को में तमन मोटर राइफल यूनिट के पास भी 3 ड्रोन शूट डाउन किए गए थे। हाल के दिनों में मॉस्को पर कई ड्रोन हमले करने की कोशिश करने का दावा किया गया है, और लगातार सिर्फ मॉस्को को दहलाने की कोशिश ही नहीं है, इस तरह के अहम स्ट्रेटेजिक लोकेशंस पर हमले किए जा रहे हैं जो रूस को ज्यादा बड़ा नुकसान पहुंचा सकते हैं। हालांकि अभी तक सफल नहीं हुए हैं बहुत ज्यादा, लेकिन अगली बड़ी खबर का रुख करते हैं। यूक्रेन का क्रीमिया पर बड़ा हमला, और क्रीमिया एक ऐसी जगह है जहां रूस नहीं चाहता हमले हो। रात में रेलवे पर हमला किया गया, क्रीमिया के फियोदोसिया रेल ट्रैक को क्षतिग्रस्त कर दिया गया है। हमले के बाद ट्रेन की आवाजाही बाधित हो गई है। लगातार रूस की तरफ से कोशिश यही है कि क्रीमिया पर अटैक ना हो पाए, क्रीमिया केंद्र में ना आए, लेकिन क्रीमिया पर लगातार अटैक किया जा रहा है और हमले किए जा रहे हैं। हमारे साथ मेहमान जुड़ गए जिनसे बात करेंगे हम इसी मुद्दे पर। हमारे साथ अशोक सज्जनहार जी मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। हमारे साथ इसके अलावा लेफ्टिनेंट जनरल शंकर प्रसाद मौजूद है, बहुत स्वागत है सर आपका भी। और हमारे साथ जी जे सिंह मौजूद है, डिफेंस एक्सपर्ट, बहुत स्वागत है सर आपका भी। सबसे पहले शंकर प्रसाद सर, ये जो मॉस्को को केंद्र बनाकर लगातार ड्रोन अटैक करने की कोशिश हो रही है, जिनमें से वो अटैक भी हुए जो पहुँच गए क्रेमलिन तक और फिर उनको नष्ट किया गया, नष्ट तो कर लिया जाता है, लेकिन इससे बड़ा मैसेज क्या है? हो सकता है बहुत नुकसान ना पहुंचा पाए, लेकिन इससे बड़ी मैसेजिंग क्या है? इससे मैसेजिंग ये है कि अगर किसी प्रकार से मॉस्को के ऊपर इफेक्टिव अटैक हो जाता है और कोई ड्रोन स्नीक करके कुछ ना कुछ नुकसान पहुंचाता है, तो मैं समझता हूं मॉस्को यूक्रेन की लड़ाई एक नए लेवल पर पहुंच जाएगी। इससे ज़्यादा मैं क्या कह सकता हूँ, एस्केलेशन होगा। एस्केलेशन का क्या रुख होगा वो कहना मुश्किल है। क्या कन्वेंशनल वेपन से उसकी रिस्पांस होगी या कुछ और इससे ज़्यादा की रिस्पांस होगी, लेकिन समझने की बात यह है कि एक तरफ तो विश्व इस समय योग की बात कर रहा है जो आपने दिखाई अभी, और दूसरी तरफ एक एस्केलेशन की तरफ बढ़ रही है। अगर जितनी खबरें आपने अभी तक दिखाई हैं उसका एनालिसिस हम करें तो आप देखेंगे कि यूक्रेन एक तरफ से काफ़ी हद तक जहाँ पर रशिया ने कैप्चर कर रखा है उस पर अटैक कर रहा है, साथ साथ मॉस्को को भी लपेटने की कोशिश कर रहा है। और अगर इनमें सक्सेस मिली, जो कि आज की तारीख में रशिया इसको रिस्पॉन्ड कर रहा है, लेकिन बड़ी बात आप ये कह रहे हैं कि मॉस्को पर हद से ज्यादा बढ़ जाएगा अटैक करने की कोशिश है, और अगर ऐसा कुछ हो जाता है, कोई नुकसान हो जाता है एक्चुअली, तब फिर रूस का क्या रुख होगा वो बहुत चिंताजनक होगा। क्रेमलिन पर जब अटैक हुआ था सक्सेसफुल नहीं हुआ था, लेकिन उसके बावजूद देखिए उसके बाद किस तरह की उन्होंने बमबारी की, मिसाइल वर्षा की।